के चलते निकाला है तो बेहतर रहेगा, लेकिन यहाँ पर एक नहीं मल्टीपल ग्रेड से प्रहार, लेकिन ये क्या वो जरूर बढ़ेंगे, लेकिन अब दो खिलाड़ियों के साथ क्या निकाल पाएंगे वो क्लच, कोशिश अभी भी जारी। और फिर मात्र जिनके पास एक मौका, स्प्रे किया गया, जिग-जैग कर रहे बच्चे अभी की बात की जाए, एक खिलाड़ी को डाउन किया, दूसरे खिलाड़ी को डाउन किया, तीसरे ये खिलाड़ी है जिनके पास पोस्टिंग है जहां से सरप्राइज किया जा सकता है, एक खिलाड़ी को यहाँ पे डाउन करने में कामयाब, फियर्स की बात करें दूसरे खिलाड़ी को भी आप। चलिए यहाँ पे मैच की बात की जाए तो शुरू हो चुका है हमारा पहला मुकाबला, जो रुतवे टीम आइकू सोल भी अगर आप देखें तो फर्स्ट वे देखने को मिलेंगे टीम इनसेन के अगेंस्ट, जहां पे दो खिलाड़ियों को फिलहाल डाउन किया गया है। नकुल की बात की जाए, कोशिश करेंगे इस फाइट को अपने तरफ जरूर से मोड़ पाए, जोकर भी वहां पे हमें गिरते हुए देखने को मिल जाएंगे। एक लौते खिलाड़ी रहने वाले हैं नकुल, जिन्होंने फिलहाल ग्रेनेड का उपयोग करना बेहतर समझा, ये कनेक्शन बना सकता था लेकिन उससे बेहतर ग्रेनेड अपोनेंट ने किया इविल के रूप में, जो कि ऑन पॉइंट टीम आइकू सोल। ये मैच का जो शुरुआत हुआ है बहुत ही खबर खराब का फायदा मेडल स्पोर्ट्स के उस आखिरी खिलाड़ी को मिलेगा, जहां पे वो काफी अच्छे तरीके से सर्वाइवल निकालेंगे, लेकिन इसी बीच टीम गॉड लाइक स्काईफॉल के ऊपर वो एक बहुत ही शानदार अटैक करते हुए। जी हाँ, बहुत ही शानदार ये अटैक था और उसी के साथ पहला फिनिशिंग पॉइंट भी इनको मिल चुका है। हालांकि एडमिनों को खो चुके थे, लेकिन काफी दूर कोरी के साथ ये फाइट, और कोरी इतना इजीली छोड़ने वालों में से है नहीं, उन्होंने नॉक इधर निकाल लिए हैं और उसी के साथ साथ बचे हैं सिर्फ और सिर्फ जेली एंड जॉनसन। क्या वो इधर से सर्वे, और जिस पोजीशन में वो है इधर मुश्किल हो सकता है क्योंकि मार्कोस गेमिंग है, पीछे से स्काईफॉल आ रहे हैं, एनिमा गेमिंग भी मौजूद, बट कोरी इस जगह पे फंस गए, वो फूटे हुए टायर के बगी के साथ नहीं जाना चाहिए। देखिए मुझे बुरा लगा उनके लिए, हुनर बहुत कमाल का है उस खिलाड़ी के पास स्काईफॉल। मुझे लगता है यहाँ पे जरूर थोड़ा निराश होंगे कि हमने फाइट अच्छा किया लेकिन रोटेशन में थोड़ा सा हम फंस गए, बट उसके बाद भी आप देखिए वो कोशिश जो है वो अभी तक हार नहीं माने, कुछ खिलाड़ी सर्कल में आने में कामयाब हो चुके हैं, तो जिन्होंने फिलहाल जेली को बचाने की जो कोशिश है, मुझे लगता है वो कोशिश कामयाबी की तरफ बढ़ेगी क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, और उस तरफ जोनाथन जाने की कोशिश भी की तो इनको ख़त्म किया जाएगा। लेकिन इसी बीच आप देखें जो ग्रेनेड था बहुत ज़्यादा ऑन पॉइंट, मार्कोस गेमिंग के मिल रहे हैं मौका, उधर से वो पॉइंट्स निकाल रही है, लेकिन इस बार उनका फाइट जो एंटिटी के साथ हो सकता है, बट दूसरी तरफ एनिग्मा वर्सेस टीम रेवेनेंट ईस्पोर्ट्स पर खत्म बड़े आराम से कर सकते हैं। जी हाँ, लेकिन सेंसेई की अगर बात करें, उन्होंने विक्से को इधर डाउन कर दिया, तो जो डर उनके लिए था वो कहते हैं कि हम लोग डर को ही खत्म कर देंगे, और उन्होंने टीम एनिग्मा के इन्फिनिटी की आया एक ग्रेनेड उनके बाजू में टप्पा खाया और उनको। जी हाँ, काफी अच्छी वहाँ पे वो कोशिश है, लेकिन ग्रेनेड की बात की जाए सेंसे की तरफ से एक बहुत ही शानदार ग्रेनेड, और आखिर के फाइट में अगर वो पहली ओपनिंग अगर आपको मिल जाए तो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। मल्टीपल ग्रेनेड करते हुए आगे बढ़ रहे एनिग्मा की तरफ, और कुछ खिलाड़ियों को वहां पे डाउन करना चाहते हैं, बट स्काईफॉल सोमराज को वहां पे मुश्किल में डालेंगे, उन्हें खत्म करने की कोशिश। सेंसे की बात करें तो इन्होंने ग्रेनेड से ही एक टीम का खात्मा क्या कर देंगे, स्पॉट किया गया ओपन में, कुछ एक आध बुलेट का कनेक्शन हो तो वहां पर बेहतर हो सकता है, लेकिन पीछे से क्या वो कवर फायर दिया जा सकता है? जी नहीं, वो कवर फायर हमें आता हुआ देखने को मिला नहीं, और जहां तक वो कोशिश की जो बात की जाए, आखिर में आया वो कोशिश लेकिन उतना कुछ खास फायदेमंद हुआ नहीं। सीक्रेट वो थे जिन्हें यहां पे कुचल दिया जाएगा एक्वानॉक्स की तरफ से। आठवां फिनिश पॉइंट, नौवां फिनिश पॉइंट, दसवां फिनिश पॉइंट निकाला जा चुका है टीम रेवेनेंट ईस्पोर्ट्स के। स्काईफॉल के बचे हुए दो खिलाड़ी क्या कोशिश कर पाएंगे? जी हाँ, कोशिश भी वहां पे उन्हें ना करने दिया जाए, इसका ध्यान रखा जाएगा टीम रेवेनेंट ईस्पोर्ट्स की तरफ से। प्रिडिक्शन जो होता है वो अगर कर पा रहे हो या जो भी आप कर रहे हो, अगर आप इन पाथ की अगर बात करें तो क्या देखने के लिए शुड बी विक्सी इधर बचने में कामयाब, लेकिन देखिए क्या वो इधर से पूरा बच पाएंगे अपने आप को। ऑब्वियसली कवर पे लेके जरूर गए, निंजा बॉय काफी ज्यादा डैमेज ऑलरेडी ले चुके थे, और देखिए इधर से तो नॉक होना ही था, बट विक्सी को बचना होगा क्योंकि वो इधर डाउन कर, क्योंकि रिवाइवल देने में थोड़ा बिजी थे और शायद नहीं दिया गया उनको रिवाइवल, इधर मौका नहीं बना निंजा बॉय को रिवाइव करने का, और उसी के साथ हो चुका है उनका समाप्ति। तो एक फिनिशिंग पॉइंट आ चुका है, बट शैडो क्या वो इधर बच पाएंगे? डिप पे गए हैं, अपने लिए एक छोटा मोटा कने में हो चुके हैं कामयाब, बट स्लग को देखिए, स्लग के पास हाइट है और दूर से आया शॉट, उनको किया गया नॉकआउट, लग ही रहा था शैडो भी। मैं बोलूंगा ब्लू जोन के बाहर ये फाइट होते नजर आ बोलो जाएंगे, कोशिश करनी चाहिए थी वो सिंगल क्लिक अगर हो जाता, बट विक्सी आएंगे सेवर के रूप में और बाल बाल बन एलिमिनेशन, ये थोड़ा सा एक दर्दनाक हादसा उनकी तरफ से, बट रॉनी ने स्पॉट करा स्काईफॉल की तरफ और हो सकता है क्विकनेस के लिए तो जाने ही जाते रॉनी जाएंगे, थोड़ा सा हो सकता है क्या पता नीचे भी कूदते नजर आ जाए, बट ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पास वो तीन ही इस प्रहार में उनको फायदा मिलेगा कि नहीं, ये देखने वाली बात। और आखिरी खिलाड़ी जो बचे होते हैं विंड गॉड मैक्स, वो तो हो जाएंगे समाप्त, लेकिन कहां पर वो फेंक रहे थ्रोएबल्स, सेम तो जाएंगे लेकिन एचपी देखिए बहुत ज्यादा गंभीर मामला भी के लिए टीम गॉडलाइक के अगेंस्ट पे जाता हुआ।
जी हाँ, बहुत ही ज्यादा मुश्किल उनके लिए बन चुका है। दो फिनिशेस हालांकि बैठे हैं, बट एनिग्मा वर्सेस गॉडलाइक के बीच में ये जब फाइट पूरा शुरू होता हुआ दिखेगा, जो कि ऑलरेडी हो चुका है, बट अभी वो आखिरी फाइट बाकी है। सौम्या इधर डाउन, आखिरी प्लेयर रहेंगे टीम एनिग्मा के लिए, और उनका भी इधर काम तमाम होता हुआ दिख सकता है। यस, बात कर रहे थे और उसी के साथ नजर आएंगे। हाइड्रा को भी चाहिए अच्छे अंकों की आवश्यकता है। नकुल को भी नॉकआउट किया गया, अभी अभी जस्ट छठे छह फ्रैग्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं। रेवनेंट दूर बैठी, वो हिल टॉप पे बैठी टीम परेशान करने की कोशिश कर रही है कि चलिए थोड़े बहुत और फ्रैग्स अगर वो थर्ड पार्टी के चलते निकाला है तो बेहतर रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक नहीं मल्टीपल ग्रेनेड से प्रहार, लेकिन ये क्या, वो ग्रेनेड जो था टूरो ओपी का था, और अपने आप को भी नॉकआउट और अपने साथी को भी नॉकआउट, कहीं ये दिक्कत में ना जाए। और दूसरी तरफ से एक्वानॉक्स थोड़ा सा ओवर एक्सपोज हो गए, लेकिन मुझे पता है रिवाइवल को मिल जाएगा। लेकिन आईक्यू सोल इस मैच से भी ज्यादा अंक अर्जित नहीं कर पाएगी आज, वो नॉकआउट। पैराडॉक्स अभी भी जीवित है, वो ग्रेनेड कुक कर रहे हैं क्या, एडमिटो को इसकी जानकारी मिल चुकी है। जी हां, आगे जरूर बढ़ेंगे, लेकिन अब दो खिलाड़ियों के साथ क्या निकाल पाएंगे वो क्लच, कोशिश अभी भी जारी है। सिम चाहेंगे कंफर्मेशन निकालेंगे, लेकिन जी नहीं, दूसरे को भी नॉकआउट कर दिया जाएगा प्रेशर की सिचुएशन में। टीम गॉडलाइक के खिलाड़ी और आखिरी प्लेयर अब जोनाथन जा सकते हैं, कंफर्मेशन निकाल सकते हैं और निकालते हुए नजर में। लेकिन जहां पर आपके तीन खिलाड़ी बच सकते थे, वहां पर अपने आप को भी नहीं आप बचा पाएंगे। कोशिश काफी अच्छी थी, बट मेडल के उस खिलाड़ी के लिए गाइस एक बार ओपी तो हो जाने चाहिए। नाइस ट्राई, टीम्स बचती नजर आएगी। एक तरफ है मार्कोस और दूसरी तरफ है रेवेनेंट, और मुझे लग रहा है कि वो सपना जो था बैक टू बैक चिकन का, वो लग तो रहा है सपना अधूरा ही रह जाएगा। और एक्वानॉक्स देखते हैं कौन मेंटेन कर पाते हैं। चलिए एक बार स्टैंडिंग से चेकआउट कर लेते हैं। मार्क साइड से होता हुआ जाएगा नॉर्दर्न शोर बीच पर जाकर, ये सभी खेमे में यहाँ पर, और मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा मुश्किलें बनने वाली है दोनों टीम्स के लिए। जी हाँ, काफी ज्यादा मुश्किलें यहाँ पे बढ़ेगी, क्योंकि देखिए स्टेज जरूर से ये तीसरा डैमेज बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन इस फाइट को वो एक बूस्ट दिला सकता है। मैक्स को फिलहाल वहाँ पे डाउन कर देंगे टर्बो अपने ग्रेनेड के साथ। रेक्स की बात की जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ चुकी है इनके ऊपर बहुत ज्यादा, क्योंकि सारे खिलाड़ी इन्हीं की तरफ बढ़ रहे। डीपीएस इनके हाथों में, क्या यहाँ पे एक क्लच करके दिखा पाएंगे। मॉली आ जाएगा उससे पहले, और उसी के कारण यहाँ पे रेक्स भी हमें गिरते हुए देखने को मिल जाएंगे। विंडगार्ड के अभी जो कि थोड़ा अलग खेल रहे थे उनके कंधों में बहुत ज्यादा भार। दूसरी तरफ यहाँ पे एडमिनो एक लौते खिलाड़ी है, वो भी नहीं रहे। टीम गॉडलाइक का भी यहाँ पे खात्मा होता हुआ हमें देखने को मिल जाएगा। काफी खिलाड़ियों को उन्होंने नुकसान पहुंचाया। अब चलिए कौन कितने खिलाड़ियों को एक्चुअल में बाहर किए वो हम जानेंगे बाद में। लेकिन यहाँ पे हंटर ने पंक को डाउन किया, खत्म किया। एक्वा भी यहाँ पे वही गलती दोहरा देंगे, और अंजाम बिल्कुल उसी के मिलते जुलते। बचे हुए दो खिलाड़ी जो कि सेंसे और फियर्स मात्र, जिनके पास एक मौका स्प्रे किया गया, जिगजैग कर रहे बचने की कोशिश, बचा लिया, बच गए। बहुत ही ज्यादा क्लोज था, लेकिन आखिरकार बचने में कामयाब हुए। लेकिन सेंसे उसी डायरेक्शन में एक ग्रेनेड फेंकते हैं, अगर वो स्प्लैश डैमेज के रूप में, बट डिस्टेंस उतना ज्यादा नहीं, और आखिरकार रेवेनेंट का भी खात्मा। देखिए मैं बता, मेडल स्पोर्ट्स के भी अगर आप देखें तो कुछ खिलाड़ी अभी भी प्ले जोन के बाहर रुके हुए हैं। कुछ खिलाड़ी लाइक इनकोर की अगर बात करें तो उन्होंने एज होल्ड कर लिया। अभी की बात की जाए तो एक खिलाड़ी को डाउन किया, दूसरे खिलाड़ी को डाउन किया, तीसरे खिलाड़ी को बहुत ज्यादा डैमेज। अभी लग तो रहा है कि एक क्लच की तरफ बढ़ रहे, क्योंकि शुरुआत जो था वो बहुत ज्यादा बेहतर, उम्मीद से परे। लेकिन अभी को अभी ये करके ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि काम खत्म नहीं हुआ। ग्रेनेड करने की कोशिश, सामने से भी ग्रेनेड का अटैक, दो खिलाड़ी एक साथ, और आखिरकार अभी को रोका जाएगा। या तो रिवाइवल के ऊपर यहाँ पे जाने की जो कोशिश है वो कामयाबी देखते प्राप्त हो पाएगी, या फिर बड़े पावर को वहां पर डाउन किया जाएगा। ट्रेड रॉ नहीं करेंगे वहां पर, इंस्टेंटली वहां पे नॉकआउट करने में कामयाब। मान्या नकुला मात्र दो खिलाड़ी यहाँ पे बचे हुए जिनके कंधों पे काफी स्पर्श, वहां पे कुछ अच्छे अटैक कर रहे गुजरात टाइगर के। क्लच गॉड रॉय को नॉक करेंगे, खत्म करेंगे। कमला बॉय भी वहां पे डाउन कर दिए जाएंगे हाइड्रा की तरफ से। वापस से अगर आप देखें तो हंटर इस पावर को रॉनी को वहां पे खत्म करेंगे, वो फिनिश पॉइंट सिक्योर किया गया। साथ ही साथ इनसेन के भी खिलाड़ी वहां पे फाइट कर रहे हैं, बट आप देखिए क्लच गॉड एक एक करके मेडल स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों को खत्म करते जा रहे हैं। आखिरकार उनकी पोजिशन रिवील हो गई, वहां की पोजिशन उन्होंने वहां पे लास्ट टाइम में बदला, जिसके कारण वो ग्रेनेड कुछ खास फायदा यहाँ पे उठा नहीं पाया। बट विस्की की बात की जाए, अकेले जाएंगे बहुत ही आसानी से तो नहीं बोलूंगा, बहुत ही ज्यादा प्रेशर में, बट उतना ही ज्यादा है उनके भी फ्रैग काउंट में थोड़ा इजाफा रहेगा, तब जाकर कुछ हो सकती बात बन सकती है उनके लिए भी। जी हाँ, उनके लिए कुछ बात यहाँ पे बन पाएगी। अब देखते हैं कि क्या वो आउट नंबर टीम यहाँ पे चिकन डेयर निकालने में कामयाब होंगे, या फिर वो नंबर के साथ यहाँ पे चल रहे। मान्या की बात करें, ड्रॉप शॉट बहुत ही सुंदर यहाँ पे वो ड्रॉप शॉट हमें देखने को मिला। फॉक्स को बिल्कुल फंसाया गया, उन्हें बिल्कुल अंदाजा था नहीं कि वो ड्रॉप शॉट आने वाला है। मान्या की एचपी बहुत ज्यादा डाउन, नकुल पीछे से वो कवर फायर देने की कोशिश में लगे हुए, लेकिन एजे भी वहां पे मैंटी को डाउन करेंगे। तो टीम टमिलास दो टीमों के बीच में थोड़ा, अरे टीम आईक्यू सोल और साथ ही साथ
मार्कुस गेमिंग फॉक्स को भी आप देखे तो हमें मान्या की तरफ से खत्म कर दिया जाएगा। दूसरा फिनिश पॉइंट ग्रेनेड का अटैक होता हुआ एजे की पोजीशन वहां पे रिवील है और मल्टीपल ग्रेनेड। आप देखिए टाइमिंग, नकुल का ग्रेनेड वहां पे बहुत कारगर साबित हुआ। नॉक निकालते के साथ कुछ रैंडम शॉट ले रहे हैं, इन्हें लग रहा था कि शायद स्मोक के पीछे कोई छुपे हुए जा रहे हैं। फ्रैक्स काउंट पे 3 का ही इजाफा हुआ है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा और बढ़ जाने चाहिए यहां पर। लेकिन नकुल थोड़ा ध्यान दीजिए ओपन में उनका इस तरह से जाना। देखिए स्मोक्स तो नहीं नजर आ रहे, शायद यही एक बड़ा उनका तरफ से रिस्क देखने को मिलता नजर आया। लेकिन अब पता चल चुके जी हाँ, मान्या के बारे में खबर मिल चुकी है टीम मार्कोस गेमिंग को। मिस्टर आईजीएल तो देखिए होल्ड करके बैठे हुए एक रूम के अंदर, लेकिन मान्या का बचाना थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है क्योंकि जहां पर गए क्या कर रहे थे मिस्टर आईजीएल उनको तो अंदाजा लग नहीं पा। लेकिन मान्या का क्या कमाल का वो क्विक रिफ्लेक्स, 4 फ्रैग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्या कमाल का खेल रहे कप्तान। मिस्टर आईजीएल को तो अंदाजा भी नहीं था, शायद उन्होंने छोड़ दिया होगा फोन कहीं पर, बट शायद उनको अंदाजा नहीं था। लेकिन जो भी एक अच्छी कोशिश मिस्टर आईजीएल की तरफ से, लेकिन यहां पर मानने का स्पॉट करा देख लिया था ऑलमोस्ट। लेकिन चलिए हंटर्स, लेकिन प्लीज उनके शिकार बने यहां से। और अभी के लिए मार्कोस गेमिंग देखिए अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं, यहां तक वो मेहनत की गई है, नहीं हो पाएगी तो बहुत ज्यादा मुश्किल खटकेगी यहां से। और मुझे लग रहा है बाकी के स्टैट्स के तरफ नजर लेके जाते हैं, 26 एक सबसे बड़ा एकदम साउथ वेस्टर्न साइड से ये दूर के कैंपों में लटार मजेदार होता है। अगर आप इनके ड्रॉप की वाइज अगर बात करें, जहाँ पे स्टार्टिंग में कोई ज्यादा चैलेंज नहीं, बटी मैक्स पार्क इनके सामने वो चैलेंज है। शॉट गन लेके तैयार है, एक शॉट लेंगे, एक खिलाड़ी को डाउन करेंगे यहाँ पे स्प्रे गॉड, फिर से दूसरे खिलाड़ी की अभी कोशिश, दूसरे खिलाड़ी को ऑलमोस्ट डाउन करने में कामयाब हो ही चुके थे कि पीछे से एक और खिलाड़ी आ जाता है जिससे अनजान थे वहां पे स्प्रे गॉड रेक्स, वो खिलाड़ी थे जिन्हें वहां पे नॉक किया जाएगा, खत्म भी कर दिया जाएगा। सारंग भी वहां पे हमें डाउन होते हुए देखने को मिल जाएंगे अभी की तरफ से, उनको भी वहां पे समाप्त किया जाएगा। बचे हुए 2 खिलाड़ी जिनके ऊपर काफी ज्यादा वो चैलेंज आने वाला, ये जो सेफ रख पाएंगे इस पूरे सिनेरियो के अंदर। लेकिन निंजा जॉट सरप्राइज इधर उनको मिलता हुआ, और ये सरप्राइज देखिए उससे वो खुश बिल्कुल भी नहीं होंगे। और उसी के साथ इधर विंड गॉड निकालते हुए इस फाइव इधर शुरू हो चुका है, और आईक्यू सोल इस पावर इधर जेली को डाउन करते हुए दिखे, और उसी जगह पे एडमिनो की तरफ से नकुल को डाउन किया गया। बट फाइनली टीम ग्लोबल ईस्पोर्ट्स का हुआ इधर खात्मा, आईक्यू सोल को इधर मिला एक फिनिशिंग पॉइंट। जी हाँ, टीम गॉड लाइक यहाँ पे खत्म होते हुए हमें देखने को मिले इस मुकाबले से, 14वें स्थान पे उनका इस मैच से समापन हुआ। बट चलिए आगे चलते, 13 टीमें अभी भी यहाँ पे बने हुए इस मैच में, 2 टोटल फिनिशेज यहाँ पे निकाले गए। TWOB काफ़ी बैलेंस दिख रहे, टर्बो फिलहाल वहाँ पे नॉकआउट हुए हैं, क्या उन्हें वहाँ पे रिवाइवल मिल सकता है? जी हाँ, कोशिश करेंगे, प्रिंस जाएंगे, बैलेंस करेंगे, 5 टोटल फिनिशेज निकालेंगे, शायद उनको इधर रिवाइवल मिल जाएगा। दूसरी तरफ विन गॉड वर्सेस टीम TWOB, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त ये फाइट एंट्री, और उसी जगह पे TWOB के साथ गुजरात टाइगर्स का ये जो फाइट शुरू हुआ था उसका अंत कौन करेगा वो इधर देखना बाकी है। शैडो शॉट्स कंटिन्यूअसली लेंगे, लेकिन जिंदे हैं वो, उनके ऊपर पूरी टीम का रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुका है। दूसरी तरफ टीम मेडल ईस्पोर्ट जोन के बाहर है, अकेले प्लेयर इधर रिवाइवल देना बहुत जरूरी, लेकिन जोन डैमेज भी इधर देखने के लिए मिलेगा और नहीं बच पाएंगे। सेंसे की तरफ से वो शॉट्स था, बार विन गॉड देखने के लिए मिल रहे हैं। अभी की अगर बात करें वो अकेले इधर जिंदा है, लेकिन उनके पास एक चांस है। शैडो का पोजीशन फुल्ली रिवील्ड, अगर उनको भी डाउन कर दिया जाता है तो गुजरात टाइगर्स के अंदर एलिमिनेशन हो जाएगा, बट अभी के बीच में ओपन में जरूर है। और देखिए बात कर रहे थे एडवांटेज इधर लेते हुए देखने के लिए मिले, और उसी के साथ साथ इधर आगे भी बढ़ेंगे, बट अभी बहुत ज्यादा डैमेज इधर ले चुके हैं, और एक बार फिर से शिकार इधर बैक टू बैक टीम तमिलास के पास, और टीम तमिलास इस बार बहुत ही अच्छे पोजीशन में है। जी हाँ, काफी अच्छे पोजीशन में अभी तक हमें देखने को मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पे बैलेंस करके दिखाया गया है। आप जो यहाँ पे आखिर की बैटल देखते हैं, क्या एक और यहाँ पे चिकन या रेवेनेंट निकालने में कामयाब हो सकते हैं या फिर नहीं, क्योंकि इनसेन अटैक करते हुए यहाँ पे एंटिटी के ऊपर, और एंटिटी का बचना बहुत ज्यादा मुश्किल क्योंकि ऑलरेडी वो आउट नंबर थे, और उसका फायदा उठंगल को होल्ड करके जा रहे। मैंटी के पास एक बहुत अच्छा एंगल है जिससे पंख को डाउन किया जाएगा, क्योंकि पंख आप देखें तो बहुत ओपन में है, और मैंटी के पास वो हल्का सा एज का सपोर्ट हमें देखने को मिल जाएगा। बट पंख की बात करें, उन्होंने देख लिया मैंटी को, क्या शॉट लेंगे? जी हाँ, खड़े हुए स्प्रे करेंगे, कनेक्शन बहुत लाजवाब, लेकिन इनफ नहीं था कि उन्हें डाउन कर पाए, और ये बहुत बड़े खतरे की घंटी क्योंकि उनकी पोजीशन रिवील हो चुकी है। और ऐसे में टीम तमिलास के प्लेयर भी पहले चाहेंगे कि पंख के ऊपर वो शॉट ले और उन्हें खत्म किया जा सके, बट साथ ही साथ इनसेन के प्लेयर के ऊपर भी अटैक जा रहा है। टीम इनसेन का इस मुकाबले से खात्मा होगा, बहुत ज्यादा ओपन से रेवेनेंट को आगे जाना पड़ेगा, और ये टीम तमिलास के लिए एक बहुत ही आसान सा मैच लग तो रहा है, जहां पे एक्वानॉक्स को सबसे पहले डाउन किया गया। फियर्स इकलौते ये खिलाड़ी हैं
जिनके पास पोजिशनिंग है जहां से सरप्राइज किया जा सकता है, खिलाड़ी को यहाँ पे डाउन करने में कामयाब। फियर्स की बात करें, दूसरे खिलाड़ी को भी यहाँ पे कुछ डैमेज देने में कामयाब होंगे, दूसरे खिलाड़ी को भी टेक डाउन करने में यहाँ पे कामयाब हो चुके। तीसरे खिलाड़ी जो कि मैंटी है, थोड़ा सा डिस्टेंस वो गैप रहेगा, बट जो नॉक है उन्हें कंफर्म करना चाह रहे, जो कि एक अच्छी सोच पॉइंट के लिहाज से, क्योंकि यहाँ पे एस नहीं करना चाहोगे। मैंटी मल्टीपल ग्रेनेड्स वहां पे करते हुए, लेकिन फियर्स की बात करें, थ्री टाइम का इस्तेमाल करेंगे, उनकी पोजिशन एग्जैक्ट पता है, ग्रेनेड का बहुत ही अच्छा वो डैमेज मैच मानो उनके हाथों से छीना गया और में बहुत ही अच्छा योगदान दिया गया। और चलिए मैच स्टैंडिंग की बात करें तो रेमिनेंट, जैसे उन्होंने देखिए अपने फैन से बोला था कि हम मैच नंबर 4 टीम ग्लोबल ईस्पोर्ट्स उनके साथ इधर एक ड्रॉप क्लैश देखने के लिए मिल रहा है और वो ड्रॉप क्लैश काफी ज्यादा भारी पड़ सकता है इधर टीम ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के लिए भी। देखते हैं किस तरीके से खेलेंगे आगे। यहाँ मुझे लग रहा है कि कहीं पहला झटका तो देखिए मिल तो जरूर चुका है। रॉनी क्रिटन उन्हें भी अपने खिलाड़ी यहाँ से गवाए हैं, दो प्लेस अभी बचे हुए, लेकिन आई कुछ सो लेके करके सारे खिलाड़ी ढेर होते नजर आएंगे। डैगर है हाथ में, वेपन था तो जरूर, लेकिन क्या उसमें बुलेट्स नहीं, क्योंकि हाथ में अभी तक उन्होंने बुलेट्स हैं, रीलोड का समय उनको मिला नहीं था, लेकिन अब क्या निकाल पाएंगे आखिरी खिलाड़ी बचे हुए। रॉनी का वो कंफर्मेशन, क्या कनेक्शन बनेगा, जी नहीं, और पहली टीम इस लॉबी में खत्म होती नजर आने वाली टीम आई कुछ सोल। आखिरी जो हंसी है वो दोनों में से कोई एक टीम ही हंसेंगे और एट द एंड ज्यादा फायदा नहीं भी हो सकता है, लेकिन शैडो उन्होंने नॉक किया, फिनिश भी किया, तो आखिरी सिर्फ दो ही प्लेयर इधर बचे हुए रहेंगे। दो में से भी स्लग को भी नॉक कर दिया जा चुका है, दैट मीन्स बीस्ट रहने वाला आखिरी प्लेयर, इनके ऊपर पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुका है। क्या हर फिनिशेस के बाद एक और बहुत बड़ा चैलेंज टीम एक्सपार्क के नाम से झटके दे सकते हैं इधर एक्सपार्क बीस्ट को, लेकिन कब तक है इधर छुपे रहेंगे, लाइक होल्ड करके रहेंगे वो देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी कोई भी गलती वो कर नहीं सकते, उनको पता है उनके पास और कोई सेकेंड चांस नहीं है, नॉक होने का तो कोई बात ही नहीं है, एकदम डायरेक्ट फिनिश हो जाएंगे। सारंग आइडिया लग चुका है बीस्ट के पोजीशनिंग का, उनको चेंज करना होगा अपना पोजीशन, उन्होंने किया भी, ओपन में थे उधर से अंदर गए रूम के, ग्रेनेड इधर को किया जाएगा, कनेक्ट अगर हो जाता है तो एक अच्छा खासा फायदा मिल सकता है। बीस्ट हुआ जरूर ग्रेनेड कनेक्ट, लेकिन पीछे से निंजा जॉर्ड, यही होता है देखिए, और मुझे लगा कि वो धमाक नहीं गैस करके तो नहीं था, या हो भी सकता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए अफू कोशिश कर रहे हैं, ये सारंग को भी डाउन कर चुके हैं, आखिरी प्लेयर टीम एक्सपार्क की तरफ से रहेंगे और उनको भी इधर अगर डाउन किया जाता है तो टीम एक्सपार्क का हो जाएगा खात्मा। एक्सपार्क शुरुआत तो बहुत ही अच्छे से किए, लेकिन क्या ये समाप्ति होगा उनका वो देखना पड़ेगा। अफू इन्फॉर्मेशन था नहीं और उनको इधर डाउन कर दिया जा चुका है, टीम एक्सपार्क इधर बच गए और उसी के साथ साथ आगे भी सफर जारी रहेगा। क्या जाए दूसरी तरफ तो वो मेडल ईस्पोर्ट्स के ऊपर जाते हुए, और टीम मेडल ईस्पोर्ट्स क्या करेंगे वो ये देखना पड़ेगा, क्योंकि टीम गॉडलाइक की अगर बात किया जाए सेकेंड पेज पे है ये मौजूद। एडमिनो ऑलरेडी नॉक हो चुके हैं, जोनाथन सिम्पैन जेली रहने वाले आखिरी तीन प्लेयर्स, बट एडमिनो को रिवाइवल दिया जा सकता है कि नहीं वो अभी भी देखना होगा, शायद निको नहीं मिले तो मुझे लग रहा है यहाँ से वो एक नींव रख के जा सकती है यहाँ से टीम। जी हाँ, देखिए दूसरी तरफ एडमिनो और उसी के साथ सिम बैक टू बैक नॉक होते हुए दिखे थे, सिम का तो चलिए इधर काम तमाम हो चुका है, आखिरी दो प्लेयर इधर बचे हुए रहेंगे टीम गॉडलाइक की तरफ से, जेली एंड जोनाथन। मुश्किलें बहुत ज्यादा इधर बढ़ चुका है जोनाथन के ऊपर, पूरा पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक नॉक निकाला गया है सेकंड की कोशिश, लेकिन नहीं जोनाथन इधर हो चुका है डाउन, जेली बहुत दूर दराज से सिर्फ वो देख रहे हैं कि उनके टीम का इधर समाप्ति घटते हुए, और उसी के साथ उनको भी कर दिया जाएगा समाप्त। को बचाया नहीं जा सका तो इंस्टेंट रिकवरी, उनको रिवाइवर मिल गया था यहाँ पर, रिकवरी काफी अच्छी करी बट नंबर्स अभी भी नहीं है, स्प्रे कॉर्ड घुस तो जरूर चुके हैं, लेकिन क्या मल्टीपल टीम से बच पाएंगे, जी नहीं, सभी तार उनके उस गाड़ी पे करेंगे वो धमाका। और दूसरी तरफ से एनिग्मा के लेब्रॉन, देखिए तीन खिलाड़ी जीवित थे जिसमें सीक्रेट का भी नॉकआउट मिला है, ओपन से लेब्रॉन जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जी नहीं, टीम स्काई फ्लाई चलिए फाइनल छोर पर बने हुए थे, लेकिन अभी ने उनको भी पकड़ा, उनका भी फ्रैग, और अभी सर्कल के अंदर मात्र एक टीम है, वो खाली आपको टीम विंड गॉड नजर आएगी, बट मार्कोस गेमिंग अब वो सोच रहे कि इस फाइट के ऊपर थर्ड पार्टी करे या फिर अंदर की तरफ जाए, लेकिन स्काई फ्लाई पलक झपकते वो धमाका और बाहर के क्षेत्र पे, और जैन का शायद मेरे ख्याल से काफी दूरी ऑप्शन था नहीं, बट मार्कोस गेमिंग मेहनत करी है तो लक भी उनके साथ जाएगा सर्कल का अभी के लिए उनके पास, बट सीक्रेट आपके ऊपर एक धमाका आने वाला है, ये ग्रेनेड बैकफुट पे धकेलेगा सीक्रेट होते हुए नॉकआउट, और अंदाजा नहीं अभी भी उनको नहीं पता इन्फिनिटी को कहां। अब तीन खिलाड़ी देखे मार्कोस गेमिंग के, तो मुझे लग रहा है शायद यहां पर निकालेंगे जरूर, एक सोलो एचपी, एक गोल्डन एचपी के साथ इन्फिनिटी डाउन करेंगे, बट जहां पर विंड गॉड अच्छा लग रहा है कि हर खिलाड़ी
जैन भी हमें देखने को मिल रहा है, और जैन की बात की जाए इस बार राइट पाथ है टीम्स को ईस्टर्न, लेकिन ये फाइट लग तो रहा है कि हमें होता हुआ देखने को मिल सकता है। जोनाथन धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे ग्लोबल स्पोर्ट्स के बीस को वहां पे डाउन करेंगे। जेली व्हीकल का काफी अच्छा उपयोग एक खिलाड़ी को वहां पे कुचला गया, और अक्सर हम देखते नहीं है कि ग्लोबल स्पोर्ट्स को इस तरीके से डोमिनेट करते हुए, बट यहाँ पे काफी आसानी से एक खिलाड़ी को डाउन किया गया, लेकिन जेली को भी डाउन कर दिया जाएगा। एडमिनो भी डाउन होते हुए ग्रेनेड का उपयोग किया गया। जोनाथन जा तो रहे, आखिरी शॉट जोनाथन की तरफ से हमें आता हुआ देखने को मिला। फिलहाल टीम द मिलाज ने भी गाड़ी पकड़ना स्टार्ट करके, और वो जाना चाहते हैं उस मिल्टा के एरिया की तरफ। इनसेन यहाँ टीम एक्स पार्क की तरफ वो झड़प, लग तो रहा है कि दोनों तरफ से थोड़ा सा फंसते नजर आएंगे। सारंग को नॉक और समाप्त भी करने की कोशिश, और दूसरी तरफ से निंजा जॉट को भी, तो मुझे लग रहा है कि सारंग के साथ भी ये चीज हो सकती है। बट ग्रेनेड पहले चेक कर रहे थे कि ग्रेनेड है क्या है वो, बहुत देर हो चुका है, और अब जाकर मतलब वो प्री को ग्रेनेड ही था, वो पहले से ही ऐसे फेंक दे, टाइमिंग भी वहां पर नहीं ली गई थी। लेकिन आप ये सोचे ना, इस दौरान मौका उनको पता है कि कंपाउंड के कवर में, बट फेयर्स अकलौता खिलाड़ी अभी अपनी टीम से अलग बैठ रखा है। लेकिन दूसरी तरफ से टीम स्काईफ्लाई, ये क्या सेम कब हो, एक ग्रेनेड और एक नहीं दो दो प्लेयर्स को करेगा नॉकआउट। राउंड लगा के हमें सर्कल की तरफ शायद वो आते हुए देखने को मिल जाएंगे, बट जो खिलाड़ी वहां पे नॉक थे स्काईफॉल के, उनके खिलाड़ियों को एक एक करके समाप्त किया जा रहा है। छह टोटल फिनिशर्स यहां, धावा बोल दिया है, सोमराज एंट्री करेंगे, हंटर को नॉक, हंटर को फिनिश करेंगे, और एक एक करके सबको बैकफुट पे धकेल दिया। और लग रहा है कि शायद शायद ये मुकाबला मार्कोस के खेमे से दूर जाता नजर आएगा, और इसका फायदा देखते हैं क्या एंटिटी उठा दिया फिर टीम आई। जी हाँ, जरूर से ये देखने वाली बात हो सकती है। टीम आईक्यू सोल की बात करें तो जरूर से यहाँ पे थोड़े से फंसते हुए एक नकुल को बाहर होने करने के बाद आप देखिए पूरी की पूरी टीम यहाँ पे बैकफुट पे आ चुके। आखिरी खिलाड़ी को भी काफी ज्यादा डैमेज दिया गया, मौलिका कनेक्शन हुआ था, लेकिन माफी हो चुकी है, शायद देखना पड़ेगा हमें। बट दो खिलाड़ी अभी भी जीवित, बट हाँ सेंसे ही तो अभी के लिए सर्कल के अंदर है, लेकिन जो बाकी प्लेयर्स कॉर्नर थोड़ा सा अलग हो गए थे उनका कंफर्मेशन देख सकते हैं। लेकिन फाइनली वो बैकअप हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि लेब्रॉन का बिल्कुल कहना था कि यहाँ पे फंस सकते हैं, बट इसी बीच आई कुछ सोल भी यहाँ पे फाइट में अपोलो को डाउन करेंगे। मार्कोस का अगेंस्ट टीम गॉडलाइक भी फाइट कर रहे हैं मल्टीपल पॉइंट के लिए। जी हाँ, उन्हें भी इस मुकाबले से शायद काफी जल्दी बाहर कर दिया जाएगा। सिम को भी यहाँ पे बाहर किया गया, मैक्सी के पास एक बहुत ही कमाल का एंगल था, और ये ग्रेनेड बहुत ज्यादा क्रूशियल रहने वाला है। लेकिन क्या एडमिनो करेंगे मिस्टर आइचल को नॉकआउट? जी हाँ, वो नाम आ चुका है जरूर उनकी तरफ से, बट एनिग्मा को ध्यान देना पड़ेगा कि मेहनत ये कर रहे हैं और कोई और टीम आपकी मेहनत का फल वहां से निकालती नजर आएगी। लेकिन रॉनी वो धमाका करेंगे, शायद कहीं ना कहीं वो कार ब्लास्ट हुई और एक नॉकआउट टीम आई कुछ सोल के द्वारा भी टॉप चार होता हुआ देखने को मिला। एडमिनो की बात की जाए तो अब यहाँ से वो ग्रेनेड का कार्रवाई स्टार्ट होता हुआ, जहाँ पे जोनाथन की बात करें तो मान्या को नॉक भी करेंगे और इस मुकाबले से बाहर किया जाएगा। और जिस तरीके से एडमिनो ग्रेनेड कर रहे हैं, मुझे लगता है क्लोज कॉल होगा, लेकिन ये भी एक क्लोज कॉल हो सकता था। आई थिंक स्मोक के कारण उतना अच्छा एंगल था नहीं यहाँ पे टीम आई कुछ सोल के पास, अदरवाइज वहां पे एडमिनो जरूर से फंस सकते थे। देखिए मैं बोलूंगा एंगल तो जरूर था, लेकिन वो विजिबिलिटी नहीं थी कहां पर वो खिलाड़ी बिल्कुल चबूतरे से टकराई नीचे गिर गई। बट एडमिनो एचपी नहीं है आपके पास, ऊपर जाकर अपने आप को हील कर लीजिए। यही है टीम एरिग्मा भी आ चुकी है, और भी काफी मल्टीपल खिलाड़ी ऊपर जाने की कोशिश, जोनाथन का भी कंफर्मेशन आ चुके। और क्या देखते ही देखते एरिग्मा गेमिंग की जीत हो चुकी, लग तो जरूर यही रहा है। जी हाँ, जिस तरीके से यहाँ पे आखिर के स्टैंडिंग्स आ जाए तो उस पर हम डिस्कशन करेंगे। जी हाँ, अंक तालिका आ चुकी है हमारे सामने।